असलम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू ऑल वेलकम टू द ई वी एस क्लास क्लास फोर्थ टूडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डू द रिक थ्री चैप्टर्स डेट इज चैप्टर नंबर नंबर सेवन एंड चैप्टर नंबर एट स्टूडेंट रिमेंबर आपको याद है ना कि ये तीनों चैप्टर्स हमने कंबाइन करके पढ़े थे ओके सो आई एम गोइंग टू गिव द रिकैप्टर एंड दिस रिविजन इज फॉर योर मिड टर्म एग्जाम मीन्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स अगर आपके होते हैं तो ये उसके लिए आपका रिविजन है एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव नॉट completed योर CW, so सो प्लीज़ it and एंड watch the द वीडियो सो इट विल बी for फॉर यू टू गिव द नेक्स्ट एग्जाम आपके लिए अच्छा होगा और आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ओके स्टूडेंट सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ ओमानस जर्नी ना हीयर यू कैन सी इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रेलवे स्टेशन ये रेलवे स्टेशन का पिक्चर है अब आपको याद है ये स्टोरी किसकी है ओमाना और राधा की वो दोनों कहाँ जाने वाले थे वो लोग वैकेशन में जाने वाले थे कहाँ केरला ओमानाज़ के ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर क्या हुआ legs, राधा लेग्स राधा राधा शी फॉल डाउन फ्रॉम अ बाइसिकल वो बाइसिकल से गिर गई तो उसका लेग में क्या हुआ फ्रैक्चर आ गया तो डॉक्टर ने उसको क्या बोला था सिक्स वीक्स का बेड रेस्ट बोल दिया तो अब जो राधा है वो उमाना के साथ में नहीं जा सकती है तो राधा की मदर ने क्या किया उमाना को सजेस्ट किया कि तुम एक डायरी में अपने जर्नी के बारे में लिखना तो जब आप वापस आओगे वेन यू विल कम बैक फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस देन राधा विल रीड एंड शी कम्स टू नो अबाउट द योर जर्नी सो दिस वे शी हेज़ स्टार्टेड राइटिंग द हर डायरी नाव इट इज़ द डे ऑफ सिक्सटीन मेंमाना एंड हिज़ फैमिली उमाना और उसके पेरेंट्स ने जर्नी स्टार्ट करी सिक्सटीनथ मे को कहाँ से अहमदाबाद से वो लोग ट्रेन में बैठे वहाँ पे बहुत रश था पर फाइनली उनको अपनी सीट मिल गई ओके नाव इन द नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो उमाना और उसकी फैमिली बैठी हुई है और वहाँ पे कौन आया है टिकट चेकर जिसको हम क्या बोलते हैं टीसी बोलते हैं जो ट्रेन में टिकट चेक करते ना उनको टी बोलते हैं और वो क्यों चेक करते हैं टिकट कि जिससे कि कोई बिना टिकट के तो नहीं बैठा हुआ है और सबको अपनी सीट्स जो है फाइनली बराबर सीट्स मिल गई हैं कि नहीं इसीलिए वो टिकट चेकर चेक करने के लिए आते हैं ओके स्टूडेंट्स इन द पिक्चर यू कैन सी द टिकट चेकर हैज़ वियर अ ब्लैक कोट वाइट हैट कैप ही इज़ हैविंग सो दिस इज़ हिज यूनिफॉर्म ये उसकी यूनिफॉर्म है और इसको ही देख के हमको समझ में आ जाता है कि ये कौन है ये टिकट चेकर है अब आप देख सकते हो ट्रेन में ऊपर जो बर्थ है उस पर सामान रखा हुआ है सब अपनी अपनी सीट्स पे बैठ गए हैं और टिकट चेक कर एक एक से उनकी टिकट्स ले रहा है अब वो टिकट चेक करके अगर कि कोई गलत सीट पे बैठ गया इफ़ एनी वन हैज़ सेट ऑन द रॉन्ग सीट सो ही विल गाइड हिम वो उनको बताएगा कि देखो आप गलत सीट पे बैठ गए हो अब उनको बर्थ कहाँ मिली थी उन... उमाना के पेरेंट्स और उस उमाना लोगों को मिडिल की बर्थ मिली थी और अपर बर्थ मिली थी तो अमा उमाना क्या थी हैप्पी हो गई क्यों क्योंकि वहाँ पे दो बच्चे उनको और मिल गए थे वो दो, दो बच्चे भी कहाँ जा रहे थे वो भी लॉन्ग जर्नी पे ही जा रहे थे ओके नाउ हियर यू कैन सी द टिकट ऑफ अ ट्रेन आपको ट्रेन की टिकट दिख रही है इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ट्रेन नंबर होता है फिर उसमें है, ट्रेन का फेयर होता है कितने पैसे लगे हैं कौन कौन सी आपकी सीट्स हैं उसका नंबर दिया है आपके जो कोच होता है जो आपका ट्रेन का जो बॉक्स होता है उसका क्या नंबर है वो दिया है जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड करेगी ये उसमें उस, उस टिकट में लिखा हुआ होता है कितने किलोमीटर्स की जर्नी है वो उसमें लिखा हुआ होता है तो एवरी इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन दिस टिकट नाउ स्टूडेंट्स बाय सींग दिस टिकट यू कम टू नो कि ये टिकट किसकी है ट्रेन की टिकट है ओके स्टूडेंट सो नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर हियर यू कैन सी नाउ उमाना इज़ सिटिंग उमाना जो है उसने अपना लंच खत्म किया उसकी मम्मी जो टिफ़िन में ढोकला चटनी लेमन राइस मिठाई ये सब लेके आई थी वो उसने फिनिश किया और वो <coughs> अब कहाँ बैठ गई है ट्रेन की विंडो पे बैठी है नाउ यू कैन सी इन द पिक्चर वेयर शी इज़ सिटिंग शी इज़ सिटिंग बाय द नियर ऑफ द विंडो एंड शी इज़ वॉचिंग आउटसाइड वो बाहर देख रही है क्या देख रही है क्या दिख रहा है उसको ड्राई फील्ड्स दिख रहे हैं ब्राउन कलर की ग्रास दिख रही है उसको और वो क्या देखा उसने कि जो जब ट्रेन रन कर रही थी तो जो भी चीज़ें बाहर दिख रही थी वो ऐसा लग रही थी कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब जो डा उल्टा डायरेक्शन की तरफ वो चीज़ें जा रही हैं मतलब जो फील्ड्स थे ग्रीनरी थी बाहर ट्रीज़ थे प्लांट्स थे वो सब क्या दिख रहे थे उसको बाहर उल्टी तरफ जाते हुए दिख रहे थे सो ना वॉट शी इज सीन कि वो बहुत ही अभी क्या था मॉर्निंग का टाइम था और समर सीजन है तो बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी इट वॉज वेरी हॉट आउटसाइड एंड वॉट शी इज़ वॉचिंग शी इज़ वॉचिंग द फील्ड्स वाई द फील्ड्स आर ऑफ ब्राउन कलर बिकॉज इट इज़ अ समर सीजन एंड इट इज़ ड्राई इसीलिए वो ब्राउन कलर के दिख रहे थे ना इन द नेक्स्ट पिक्चर यू विल सी द वॉट यू आर सीन इट इज़ अ प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म में अभी क्या हुआ पहला प्लेटफॉर्म आया पहला स्टेशन आया तो ट्रेन वहाँ पे रुक गई ओके okay, स्टूडेंट तो ट्रेन रुकी तो वहाँ पे लोग क्या करते है? रास्ते पे जब ट्रेन रुकती है तो क्या करते आप भी कभी जर्नी में जाते हो तो आपने देखा होगा ना कि रास्ते में ट्रेन रुकती है तो आपके साथ में पापा या मम्मी जो भी होते हैं दे गो दे गो डाउन एंड दे ब्रिंक द वॉटर बॉटल दे ब्रिंक द फ्रूट्स ऑल्सो दे ऑल्सो ब्रिंक सम आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स सो एंड मैनी ऑफ द पैसेंजर्स दे यूज टू बोर्ड डाउन वो बहुतों का स्टेशन होता है जिनको वहाँ उतरना होता है वो उसके लिए ट्रेन वहाँ पर रुकती है ओके स्टूडेंट सो इन द पिक्चर यू कैन सी देर इज़ अ पर्सन हु इज सेलिंग हु इज सेलिंग द टी देन मैनी ऑफ द पैसेंजर्स दे आर दे आर गोइंग इन साइड द ट्रेन मैनी ऑफ दैम दे आर कमिंग आउट ऑफ द ट्रेन एज दे आर देअर जर्नी हैज़ फिनिश्ड तो आपने देखा ना कि प्लेटफॉर्म में कौन कौन से कुली दिख रहा है उस पिक्चर में आपको फिर चाय बनाने वाला दिख रहा है एक पर्सन है वो बुक पढ़ रहा है क्योंकि अभी उसकी ट्रेन नहीं आई है ही इज़ वेटिंग फॉर हिस ट्रेन नाओ वन गर्ल इज़ देअर विथ हर मदर एंड देयर नाव देयर जर्नी हैज़ फिनिश्ड उनकी जर्नी ख़त्म हो चुकी है तो वो क्या कर रहे हैं वो उतर के वहाँ से जा रहे हैं नाओ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी वट इज़ देअर देयर इज़ अ देयर इज ऑल् दिस इज़ ऑल्सो रेलवे स्टेशन सीन ये भी रेलवे स्टेशन का ही सीन है आप देख सकते हो माना अब क्या देख रही है उसने अपने मॉर्निंग हुई है तो उसने क्या किया अपने सिक्सटीन मे को रात हुई उसने खाना खाया और <coughs> उसको दो फ्रेंड्स मिल गए कौन कौन मिला सुनील एंड अन और वो लोग कहाँ जा रहे थे वो भी अपने ग्रैंड मदर्स के घर जा रहे थे देवर ऑल्सो गोइंग टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस विच इज़ इन कोजिकोड तो और सुनील सुनील ने क्या किया ही हैज़ गिवन सम बुक्स टू द ओमाना सो दैट शी कैन रीड नाउ आफ्टर ईटिंग द डिनर व्हाट डिड ओमाना डिड ओमाना शी हैज़ ब्रशड हर टीथ वो अपने टीथ को ब्रश करने गई तो पता चला कि वहाँ पे पानी नहीं है वाटर वॉज नॉट देयर इन द बाथरूम सो वॉट डिड समबडी टोल्ड समबडी टोल्ड दैट द वॉटर विल कम ऑन द नेक्स्ट स्टेशन नेक्स्ट स्टेशन जब आएगा तब वहाँ पे इसमें पानी भरा जाएगा बिकॉज ट्रेन्स आर नॉट हैविंग द परमानेंट टैंक्स ट्रेन में परमानेंट टैंक्स नहीं होते हैं जब वो किसी बड़े स्टेशन पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो लोग पानी जो सिस्टम होता है वहाँ पे टॉयलेट्स में पानी लेने का बाथरूम में वो उससे पानी को भरते हैं ओके स्टूडेंट सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर सिक्स नाउ वी विल गो फॉर द चैप्टर नंबर सेवन सो वट वॉज द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर सेवन

अर्लियर वाई बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था तो वो जल्दी सो गई थी नाउ इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग एंड अगेन नाव शी इज़ सिटिंग इन नियर द विंडो एंड वॉट इज़ द टाइम टाइम इज सेवन थर्टी नाव इज आउ अगेन द ट्रेन हैज़ स्टॉप ट्रेन कहाँ हो गई स्टॉप हुई ट्रेन कहाँ परा ट्रेन ने मड गाँव स्टेशन में उसने बोर्डिंग किया और किस मोमाना को कैसे पता चला कि ये मडगांव स्टेशन है बाय सीइंग द बोर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे जो बोर्ड लगा हुआ था उसको देख के माना को समझ में आया कि ये कौन सा स्टेशन है मडगांव स्टेशन है अगेन इज सिटी नियर द विंडो अब उसकी ट्रेन वापस चली और वो बाहर विंडो से बैठ के सारे सीन्स को देख रही थी अब बाहर जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था क्यों क्योंकि मॉर्निंग टाइम हो गया था और जो बाहर का जो वेदर था वो बहुत अच्छा था इसलिए उसे अच्छा लग रहा था उमाना को बाहर देखने में नाउ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ रेलवे क्रॉसिंग आपको रेलवे क्रॉसिंग की पिक्चर दिख रही है ना सो मैनी व्हीकल्स आर स्टैंडिंग वाई बिकॉज दैट गेट हैज़ बीन क्लोज गेट को क्लोज़ किया गया क्योंकि वहाँ से ट्रेन पास करेगी और उन लोगों को <coughs> वो जो व्हीकल्स है जो रोड के ऊपर रन करते हैं ना जैसे कि ट्रक है बाइसिकल है बुलक कार्ट्स है देन मोटर बाइक्स है कार्स हैं बसेस है बसेस हैं बसे है, और इवन द पीपल हु आर वॉकिंग जो वॉक करके चल के जाते हैं उन सबको वेट करना पड़ता है क्यों क्योंकि ट्रेन वहाँ से पास होगी और अगर वो गेट नहीं होगा इफ़ गेट इज़ नॉट देयर वॉट हैपन पीपल विल गो ऑन गोइंग वो लोग जाते आते रहेंगे और आपने बहुत बार ऐसा देखा है कि जहाँ रेलवे क्रॉसिंग होता है ना वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे जब बहुत से लोग जो अपने व्हीकल्स होते हैं ना उसको बंद नहीं करते दे यूज़ टू बे इंजिन कीप द इंजन स्टार्ट वो इंजन को अपने चालू रखते हैं बिकॉज ऑफ दैट वॉट हैपन नॉइज एंड नॉइज़ एंड एयर पॉल्यूशन हैपन उससे क्या नॉइज़ पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन होता है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एंड सो दे मस्ट स्टॉप देअर व्हीकल्स इंजन

जो ब्रिज सीमेंटेड है वो आप देख सकते हो उसके ऊपर पिक्चर्स में आपको दिख रहा है ना कि वहाँ पे बच्चे सॉरी वहाँ पे जो है व्हीकल्स जा रहे हैं बस है ट्रक है कार है वो जा रहे हैं और ये वाला जो ब्रिज है आयरन का पूरा बना हुआ है वो क्वैकिस किसका ब्रिज है वो ट्रेन का ब्रिज है इसके ऊपर से ट्रेन जाती है आप उमाना जो है विंडो के साइड में अपनी आइज क्लोज करके बैठी थी उसको अचानक से शी हर्ड द वॉइस ऑफ खुड 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 एंड शी बिकेम

वहाँ पे क्या होता है टनल्स बनाए जाते हैं वो टनल्स क्या किया जाता है हिल हिली एरियाज होता है तो उस हिल के एरिया को बीच से कट कर दिया जाता है और उसके अंदर से ट्रैक्स डाले जाते हैं ट्रेन को पास करने के लिए एंड इट इज़ कॉल्ड अ टनल एंड नाउ वेन उमाना आफ्टर टेकिंग द ब्रेकफास्ट जब ओमाना ने ब्रेकफास्ट किया तो वो ऊपर की बर्थ में जाके बैठ गई क्योंकि बाहर क्या था सनी था आउटसाइड इट वॉज वेरी सनी और क्या हुआ अचानक से सब चीज़ डार्क हो गई एवरी थिंग बिकेम डार्क सो वॉट शी थॉट वॉट हैपन दिस ये क्या हो गया सो एंड इट वॉज कोल्ड इन अभी पहले क्या था मौसम कैसा था सनी था तो वो ऊपर बर्थ पे आके बैठी पर जैसे ही अंदर डार्क हुआ तो थोड़ा सा कोल्डनेस फील हुई अब किसी ने क्या बोला कि हमारी जो ट्रेन है इट हैज़ एंटर्ड द टनल टनल के अंदर गई है और बिकॉज इट इज़ इन द आर मूविंग इन द माउंटेन्स उसने बोला हम माउंटेन्स में जा रहे हैं एंड अब क्या था उस जिसने भी बताया उसने क्या बोला अभी बहुत सारे टनल्स आएंगे पहले तो वो माना डर गई शी गॉड फ्राइटिन बट आफ्टर दैट वेन अदर टनल्स वर कमिंग शी बीकेम हैपी इट वॉज अ नाउ इट वॉज अ गेम फॉर हर उसको अब इसमें मजा आ रहा था नाउ दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर सेवन नाओ द चैप्टर नंबर एट दैट इज रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस नाउ यू कैन सी द पिक्चर हैज़ चेंड आपने देखा अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि अभी क्या है सब तरफ ग्रीनरी दिखने लग गई है क्योंकि अब वो कहाँ पहुँच रहे हैं उनकी जो जर्नी है केरला में ख़त्म होनी थी वो वहाँ पे अब पहुँचने वाले हैं तो अब यहाँ पे वो जो एरिया है वो अब कैसा है सनी एरिया नहीं है हल्का सा कोल्डनेस फील होने लग गई है क्योंकि ये एरिया कैसा है रिवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है और जो बाहर का जो सीन होता है इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बाहर बहुत अच्छा सीन दिखने लग जाता है अभी क्या हुआ रात को उमाना और उसके जो पेरेंट्स थे वो लोग कहाँ पे उतरे वो लोग उनके वली अम्मास के घर पे उतरे वली अम्मा मीन्स उमानाज़ फादर्स सिस्टर उनके घर पे वो उतरे रात उनने वहाँ पे निकाली अब वो सेकेंड डे कहाँ जाएंगे अब उमाना के ग्रैंड मदर के घर जाएंगे अब इस पे इस चैप्टर में ग्रैंड मदर को क्या बोला गया है डिड यू रिमेम्बर आपको याद है कि ग्रैंड मदर को क्या बोला गया है येस वेरी गुड ग्रैंड मदर को अमूमाज हाउस बोला गया है तो अभी आप देख सकते हो ऑटो में अब यहाँ से एक जर्नी में कौन कौन जा रहा है उमाना की फैमिली के साथ में वली अम्मा की फैमिली भी जा रही है अब आप देख सकते हो द पिक्चर यू कैन सी दे आर सिटिंग इन द ऑटो वो ऑटो पर बैठे हुए हैं सबके सब के सब ने अपना लगेज रख लिया है और उमाना तो इतनी टायर्ड थी क्योंकि उसकी जर्नी लास्ट थ्री डेज से चल रही थी तो वो इतनी टायर्ड थी कि जब वो रात को बिना ख़्श हो गई थी और जब वो सुबह उठी तो उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी सोई है और वापस वो उठ गई है सो नाउ दे आर गोइंग टू द बस स्टैंड नाउ दे हैव टू कंटिन्यू देयर जर्नी इन द बस तो वो सब ऑटो में बैठ के अब कहाँ जा रहे हैं बस स्टैंड में जा रहे हैं और अब दोनों फैमिली जो है कहाँ जाएंगी अमू मास के हाउस में जाएंगी ओके स्टूडेंट्स यू हैव गॉट इट नाउ नाउ यू कैन सी इन द नेक्स्ट पिक्चर सीयर दिस इज अ बोट ये क्या है बोट है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं फेरी बोलते हैं वाई इट इज़ कॉल्ड अ फेरी बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल बोट नॉट वेरी बिग बहुत बड़ी जो बोट होती है उसको तो हम शिप बोलते हैं पर जो स्मॉल बोट्स होती हैं जिससे हमें छोटा छोटी रिवर को क्रॉस करके अदर साइड में जाना होता है तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं फेरी यूज़ करते हैं एंड इट इज वेरी यूजुअल मतलब ये बहुत आम बात है कि बोट में बैठ के उनको जाना है तो जब उमाना जब बस से उतरी तो बस में बहुत क्राउड था तो उसके पैर क्या हो गए थे स्टिफ हो गए थे मतलब दर्द करने लग गए थे शिवन कांट स्टैंड तो उसको ऐसा लगा हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई है बट नो स्टिल शी हैज़ टू कंटिन्यू उसको जब वो वहाँ नीचे उतरी तब उसको समझ में आया कि नहीं अभी उनको और वहाँ पे जाना है फिर वो लोग बोट पे बैठ के अदर साइड पे गए वहाँ पे बहुत सारे रिवर के साइड में बहुत सारे कोकोनट ट्रीज थे जिसको देख के उमाना को बहुत अच्छा लगा और वो रेलिंग के पास खड़े होके उसको सबको देख रहे थे फाइनली शी रीच द अमूमाज़ हाउस व लास्ट में अमूमा के हाउस को पहुंच गई एंड दिस वाज द एंड ऑफ हर जर्नी स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम हैव अ नाइस डे स्टे होम अल्लाह हाफिज़